Hello everyone, thanks for watching Education Dham. We were studying William Shakespeare's play Macbeth. आज की ये जो क्लास है इसमें हम एक्ट फिफ्थ है इसको कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखिए सीन सेकंड स्टार्ट करने से पहले जो सीन फर्स्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा वो रिपीट कर लेते हैं. देखिए उसमें हमने पढ़ा कि जो लेडी मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ की जो मेंटल कंडीशन है अब वो ख़राब हो चुकी है और लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है. तो उस सीन से हमें पता चलता है कि जो लेडी मैकबेथ है उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अब बिगड़ चुकी है, यानी लेडी मैकबेथ अब ठीक नहीं है. अब देखिए सीन सेकेंड, मेंटेड कैथनस एंगस लेनॉक्स एंड सोल्जर्स एंटर. अब ये सब कौन है? स्कॉटलैंड के थेन्स हैं. स्कॉटिश लॉर्ड्स डिस्कस द मिलिट्री सिचुएशन. अब देखिए इस सीन में होता क्या है, जो ये स्कॉटिश लॉर्ड्स हैं ये सभी स्कॉटिश लॉर्ड ये आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मिलिट्री सिचुएशन. जो आर्मी है जो मालकॉम ने रेस की थी मैकबेथ के विरुद्ध उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में आपस में बातचीत करते हैं ये सभी. द इंग्लिश आर्मी अप्रोचेस लेड बाय मालकॉम शिवॉर्ड मैकडफ एंड द स्कॉटिश आर्मी विल मीट देम नियर बर्नम वुड. अभी ये जो सभी स्कॉटलैंड के थेन्स हैं ये बातचीत करते हैं, कहते हैं कि जो इंग्लिश आर्मी है जिसको लेड कौन कर रहा है, मालकॉम शिवॉर्ड और मैकडफ, ये जो आर्मी है कहाँ पहुँचेगी, बर्नम वुड के पास, बर्नम के जो जंगल हैं वहाँ पे. और जो ये स्कॉटिश आर्मी यानी सोल्जर्स और ये जो थेन्स हैं स्कॉटलैंड के ये सभी जाके ये इंग्लिश आर्मी से कहाँ पे मिलेंगे, बर्नम वुड यानी जो बर्नम के जंगल है वहाँ पे जाके इंग्लिश आर्मी से मिल जाएंगे. अब देखिए आगे क्या होता है. मेंटेथ addresses Macbeth as the tyrant and they talk about how he is preparing for the battle. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये लॉर्ड है मेंटेथ ये मैकबेथ को क्या कह के संबोधित करता है, द टायरेंट यानी निरंकुश. ये जो मैकबेथ होता है ये निरंकुश शासक होता है. तो मेंटेथ क्या कहता है मैकबेथ को, टायरेंट. एंड दे टॉक अबाउट और ये आपस में बात करते हैं किसके बारे में, कि जो मैकबेथ है वो किस तरह से तैयारियां कर रहा है, किससे रिलेटेड, बैटल यानी युद्ध को लेके किस तरीके से वो तैयारियों में लगा हुआ है. एंगस सेज दैट मैकबेथ फील्स द ब्लड ऑफ हिज एनिमीज ऑन हिज हैंड्स. अब देखिए यहाँ पे जो ये एंगस है ये क्या कहता है कि जो मैकबेथ है मैकबेथ को उसके हाथों पर जो उसके दुश्मन थे उनका खून महसूस होता है यानी दिखाई देने लगता है मैकबेथ को. अब नेक्स्ट देखिए, सोल्जर्स फॉलो हिज ऑर्डर्स ओनली बाय फियर नॉट लव. अब यहाँ पे वो सभी जो थेन्स हैं ये बात करते हैं, कहते हैं कि जितने भी सोल्जर्स यानी जो भी लोग मैकबेथ के साइड हैं अभी वो सब उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और वो भी किस वजह से, डर की वजह से ना कि प्यार की वजह से. वो उससे डरते हैं उसकी वजह से जो मैकबेथ ऑर्डर देता है उनको वो सभी फॉलो करते हैं. लेनॉक्स लेट्स मार्च टू बर्नम. अब लेनॉक्स कहता है कि बर्नम की तरफ बढ़ते हैं. दे एग्जिट्स मार्चिंग. अब ये जो सभी थेन्स और जो सोल्जर्स थे वो आगे चले जाते हैं किसकी तरफ, बर्नम के वुड की तरफ. अब देखिए सीन थर्ड, सीन थर्ड में क्या होता है, मैकबेथ अ डॉक्टर एंड अटेंडेंट्स एंटर. मैकबेथ हियर्स रिपोर्ट ऑफ थेन्स हु हैव जॉइंड द इंग्लिश फोर्स. अब यहाँ पे मैकबेथ को खबर मिलती है, क्या खबर मिलती है कि जो थेन्स थे जितने भी थेन्स थे वो किससे जाके मिल गए हैं, इंग्लिश फोर्स यानी जो सभी थेन्स थे वो
वो जाके इंग्लिश आर्मी में मिल गए हैं, यानी वो किसका साथ दे रहे हैं, मालकोम का। तो ये खबर सुन के मैकबेथ को बहुत ही ज़्यादा क्या आता है, गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, मैकबेथ रिमेंबर्स द अपारिशंस एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज इनविंसिबिलिटी। अब यहाँ पे जो मैकबेथ है, मैकबेथ याद करता है, क्या चीज़ याद करता है, जब वो चुड़ैलों के पास गया था और उन चुड़ैलों ने क्या दिखाए थे, प्रेतों के दृश्य दिखाए थे, जो भविष्यवाणी पहले उन्होंने की थी, 3 भविष्यवाणियाँ की थी, उसके बारे में और जानने के लिए वो जब चुड़ैलों के पास जाता है तो वो चुड़ैले क्या दिखाती हैं उनको, प्रेतों के दृश्य दिखाती हैं, तो वो उनको याद करता है। तो पहला जो सीन था वो क्या होता है, एक हेलमेटेड हेड, उसका क्या मतलब था कि उसे किससे अवेयर रहना है, मैकडफ से बच के रहना है, तो वो चीज़ वो याद करता है। दूसरा क्या था, खून से सना हुआ बच्चा दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि कोई भी औरत से जन्मा व्यक्ति उसको नहीं मार सकता, तो वो इस चीज़ को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जो मैकडफ है वो औरत से जन्मा हुआ है, तो उसे कोई हानि नहीं होगी उसको। और तीसरी जो अपारिशन था वो क्या दिखाया था, कि एक टहनी पकड़े हुए बच्चा दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि जब तक बर्नम का वो डनसिनेन हिल तक खुद चल के नहीं आ जाएगा, मैकबेथ तो कोई नहीं हरा सकता। तो इन तीनों अपारिशन से इनको याद करके वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो क्या है, अजय है, यानी उसको कोई हरा नहीं सकता, तो एक श्योरिटी हो जाती है उसको कि इन सब चीज़ों से उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर थेन्स है या सोल्जर्स वो उनकी साइड चले भी गए हैं तो इजीली वो नहीं हारेगा, उसे जो अपारिशंस थी उसको लेके कॉन्फिडेंस होता है। अब देखिए क्या होता है आगे, अ सर्वेंट एंटर्स। अब यहाँ पे एक नौकर आता है, द सर्वेंट इन्फॉर्म्स मैकबेथ दैट द इंग्लिश आर्मी हैज़ अराइव्ड इन द कंट्री। अब यहाँ पे जो सर्वेंट है वो आके मैकबेथ को सूचना देता है कि जो इंग्लिश आर्मी है वो कहाँ पहुँच चुकी है, इन द कंट्री, यानी कंट्री में पहुँच चुकी है, स्कॉटलैंड पहुँच चुकी है। मैकबेथ सेंड्स हिम अवे। अब ये सुन के खबर मैकबेथ को क्रोध आ जाता है और वो जो सर्वेंट होता है उसको डांट के वहाँ से भगा देता है। द सर्वेंट एग्जिट्स। अब वहाँ से सर्वेंट है वो चले जाता है। अब देखिए सर्वेंट के जाने के बाद क्या होता है, कॉलिंग आउट फॉर हिज सर्वेंट सैटर्न। अब यहाँ पे जो मैकबेथ होता है वो अपने सेवक होता है सैटर्न, उसको बुलाता है। सैटर्न एंटर्स। अब यहाँ पे सैटर्न आता है, सैटर्न कन्फर्म्स द अराइवल ऑफ द इंग्लिश आर्मी। अब यहाँ पे जो सैटर्न होता है वो इंग्लिश आर्मी के पहुँचने की जो सूचना थी उसको कंफर्म करता है कि जो इंग्लिश आर्मी है वो वाकई में वहाँ पे पहुँच चुकी है। मैकबेथ आस्क हिम टू ब्रिंग हिज आर्मर। अब यहाँ पे मैकबेथ है सैटर्न को क्या कहता है कि वो उसके जो कवच है उसको लेके आए, अपना कवच मंगवाता है यहाँ पे मैकबेथ। अब जब तक सैटर्न वो कवच लेने जाता है तो जो मैकबेथ होता है वो किससे बात करता है, डॉक्टर से, टू द डॉक्टर। अब वो डॉक्टर से क्या पूछता है, देखिए, हाउ इज़ योर पेशेंट डॉक्टर। अब यहाँ पे जो मैकबेथ होता है वो डॉक्टर से पूछता है कि जो आपकी पेशेंट है वो अब कैसी है। अब यहाँ पे पेशेंट कौन है, लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ यहाँ पे पेशेंट। लेडी मैकबेथ की मेंटल कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, जिस वजह से उसके इलाज के लिए किसको बुलाया गया था, डॉक्टर को। अब वो डॉक्टर से बात करता है। अब डॉक्टर क्या कहता है, द डॉक्टर टेल्स हिम अबाउट लेडी मैकबेथ इलनेस एंड मैकबेथ ऑर्डर्स हिम टू क्योर। जो डॉक्टर होता है वो लेडी मैकबेथ की जो बीमारी होती है उसके बारे में बताता है मैकबेथ को, और जो चीज़ें डॉक्टर बताता है उसको सुनने के बाद
मैकबेथ क्या कहता है, मैकबेथ ऑर्डर्स हिम, मैकबेथ उसको आदेश देता है किस चीज़ के लिए, टू क्योर, कि वो उसका इलाज जारी रखे, इलाज करता रहे उसका। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, मैकबेथ पुट हिज आर्मर ऑन एंड प्रिपेयर्स फॉर बैटल। अब इसी बीच सैटर्न आ जाता है उसका कवच लेके, और मैकबेथ वो कवच पहनता है और युद्ध की तैयारी करता है। दे एग्जिट्स, अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, सीन फोर। अब सीन फोर में देखिए क्या होता है, मालकोम, ओल्ड शिवॉर्ड, यंग शिवॉर्ड, मैकडफ, एंगस, रॉस, मैंटिस, कैथनस, लेनॉक्स एंड सोल्जर्स एंटर। अब देखिए यहाँ पे सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, इंग्लिश आर्मी और जो स्कॉटलैंड के थेन्स थे और जो सोल्जर्स थे, सभी एक जगह दिखाई देते हैं। मार्चिंग विद अ ड्रमर एंड फ्लैग, द इंग्लिश आर्मी, सॉरी, द इंग्लिश एंड स्कॉटिश रिवल्ट ट्रूप्स मीट एट बर्नम वुड। अब देखिए इस सीन में क्या होता है, जो इंग्लिश आर्मी है और जो स्कॉटलैंड स्कॉटिश रिबल ट्रूप्स यानी स्कॉटलैंड के थेन्स थे, वो सब कहाँ मिल जाते हैं, बर्नम वुड, बर्नम के जंगल होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। मालकोम ऑर्डर्स ईच सोल्जर टू कट अ ब्रांच एंड कैरी इट इन फ्रंट ऑफ हिम इन ऑर्डर टू कैलकुलेटिंग देयर करेक्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो मालकोम होता है, मालकोम प्लान बनाता है, क्या डिसाइड करता है वो, कि जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी एक एक टहनियाँ काट लें और उनको अपने आगे पकड़कर खड़े हो जाएं, आगे पकड़कर चले आएँ। तो इससे क्या होगा, मैकबेथ है, मैकबेथ को उनकी आर्मी में कितने लोग हैं इन सब के बारे में नहीं पता चलेगा, यानी वो सही अनुमान नहीं लगा पाएगा कि वो कितनी संख्या में है, तो वो इस तरीके से डिसाइड करता है। ओनली अ फ्यू पीपल रिमेन एट मैकबेथ साइड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत थोड़े से लोग मैकबेथ के साइड होते हैं, बाकी सब जाके किसके साथ मिल जाते हैं, मालकोम के साथ। दे एग्जिट मार्चिंग, अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंग्लिश आर्मी है और जो स्कॉटिश रिबल थे वो बर्नम वुड के पास मिल जाते हैं और सभी युद्ध के लिए क्या होते हैं, रेडी रहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए जो बैटल है वो स्टार्ट होगा, इससे हमें पता चलता है। अब ये था सीन फोर्थ, अब जो इससे नेक्स्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोगों को मेरी क्लास थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।